छोटी मंदिर पर शवा पर शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सबको इसमें सौभाग्य है हमारा कि हम सबको इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला और बाबा महाकाल की कृपा ऐसे ही बनी रहे और हमें हमेशा उस तरह ही सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें। पंचमुखी सरकार की जय। आज खुश तुम अगर रानी आरती हरो दीन न जानी। भोले बाबा ऐसे एक देवता है कि जो अनादि है, कितनी बार भी सृष्टि का उथल पुथल हो जाए लेकिन मेरे भोले बाबा वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनकी कृपा से सवा करोड़ जो जप कार्य है हमारे आचार्य जी द्वारा, हम लोगों का संकल्प भोले बाबा ने पूरा किया। प्रतिदिन हमारी जो 7 ताली मिट्टी थी वो हमको 3 तारीख तक उसको पूरा करना था, लेकिन उसके पहले ही कली मिट्टी खत्म हो गई। मतलब मैं 25 करोड़ के लगभग मैं क्रॉस हो जाऊंगा। मैं कली जो वो असीम कृपा है हमारे भोले बाबा स्वयं बैठकर यहाँ पिंडी को वो करा रहे और श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज जी हैं, राजेंद्र गुरु जी, तेरी कृपा तेरी दया और पंचमुखी हनुमान आश्रम, उन्होंने अर्थ की व्यवस्था की है और हम लोगों ने सबसे समय दान मांगा है और समय दान की वजह से आज हमारी शहर की जो माताएँ बहनी हैं, जो जननी है, जो सनातन की जड़ है, उनके एकता और उनका उत्साह देखते बना। मैं यही गुनावासियों को बोलूँगा कि आपके अंदर वो ताकत है, हर कार्य कर सकते हैं। और मैं गुनावासियों से ये भी प्रार्थना करूँगा, आपके पास 37 वार्ड है और 37 वार्ड में 1700 से ज़्यादा गाय नहीं है और जब तक गाय की सुरक्षा नहीं होगी तब तक धर्म कभी सुरक्षित नहीं होगा। राष्ट्र बहुत बाद में है, पहले सनातन की जड़ गौ है, उसके बाद हमारा धर्म है, फिर राष्ट्र है। बोल अयोध्यानाथ की जय। हमारे सौरभ आचार्य जी हैं, अथा परिश्रम से हमारे आचार्य जी इस कार्य को पूरा किए। नहीं, कितनी शिवलिंग बनाई जाती है डेली? हम यहाँ पर 25 करोड़ के लक्ष्य को लेकर के ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। महंशी श्री रामदास जी महाराज एवं तेरी कृपा तेरी दया महाराज श्री राजेंद्र गुरु जी, इन्हीं दोनों के सानिध्य में हम सभी ने ये कार्यक्रम आरंभ किया था। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक हमको 25 करोड़ शिवलिंग निर्माण ये कार्य आरंभ संपन्न करना था। पहले दिन हमारे 22 लाख के आसपास शिवलिंग निर्माण रहा, दूसरे दिन भी 22 लाख के आसपास रहा, तीसरे दिन हमारे 24 लाख से ऊपर शिवलिंग निर्माण हो गया था, आज हम 26 लाख के ऊपर संख्या को क्रॉस कर चुके हैं। ये सभी आप सभी के सहयोग से, गुना नगरवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हम सभी ने 25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा था लेकिन ये लग रहा है कि अभी हम 1.5 करोड़ से अधिक ऊपर निकल जाएंगे। ये सभी गुनावासियों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भगवान श्री पंचमुखी सरकार सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और राजेंद्र गुरु जी उन्हीं के
सानिध्य में और महाराषि श्री रामदास जी महाराज महंत जी इन दोनों के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज चतुर्दिवस है और चतुर्दिवस में आज हम सभी 26 लाख की संख्या से ऊपर क्रॉस हो गए हैं और सभी के लिए ये हम विशेष निवेदन करते हैं, गुना नगरवासी अधिक से अधिक पधारें इस आयोजन में भाग लेकर के। आज ये पंचमुखी धाम ऐसा लग रहा है जैसे कि महाकुंभ यहाँ पर चल रहा हो। कुंभ के मेला में जैसे आनंद होता है ऐसे ही कुंभ महापर्व ये पंचमुखी धाम प्रांगण में चल रहा है। प्रातः 8 बजे से यहाँ पर शिवलिंग निर्माण प्रारंभ हो जाता है और शाम के 4:30 बजे से 5 बजे तक निर्माण कार्य चलता है। इसके बाद सभी यहाँ पर अभिषेक करते हैं, सभी भगवान का विसर्जन करते हैं, सिंहवासा तालाब में विसर्जन करते हैं और सभी प्रसाद आदि लेकर प्रस्थान करते हैं। हम सिटी चैनल से ये अपील करेंगे कि ये सिटी चैनल वाले भाई जो सबको मैसेज दे रहे हैं, हम भी सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक पधारें और अधिक से अधिक धर्म लाभ अर्जित करें। यहाँ पर कुंभ में सभी आनंद लें, सभी कुंभ में पधारें। ये आज गुना में पहली बार 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण चल रहा था। गुना के अंदर आज तक भी ये नहीं हुआ है। गुना के अंदर आज पहली बार ये 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण चल रहा है अभी और ये 3 अगस्त तक ये कार्य संपन्न हो जाएगा। और हमको 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखना था लेकिन ये तो हमारा कल पूरा हो जाएगा, संपन्न है कि पूरा हनुमान जी महाराज की कृपा संपन्न हो जाएगा। आपके चैनल से यही मैं देखूंगा, सपना सबको देखना चाहिए लेकिन सात्विक सपना देखना चाहिए। आप अपने चैनल से ये जरूर लो, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, जमाना तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बड़े आचार्य जी हमारे यही माहौल में देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यति मा काश्चित् दुःख भाग्भवेत्। आज हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है और हम बड़े सौता जनार्दन के बीच में हम जो संकल्प लेकर बैठे थे 125 करोड़ भगवान शंकर के निर्माण का, वो 125 करोड़ शंकर हमारा कल पूर्ण हो जाएगा। और हमसे इस गुना की जनता से इतनी उम्मीद रखती हैं कि ये हमारे 1.5 से 2.25 करोड़ शंकर पहुंचा देंगे और इस समय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे गुना वासियों के लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि उनने इस कार्यक्रम में इतने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इससे हम पूर्ण इनकी भागीदारी हैं और पूर्ण पूर्ण भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान महाकाल, हे पंचमुखी धाम, इन हमारे महानुभावों के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा से आशीर्वाद प्रदान करें कि ये प्रतिवर्ष इस प्रकार आयोजन हमारे स्थान पर होता रहे और हमारे सभी भक्तों का उत्साह इसी प्रकार बढ़ता रहे। और हम आपके चैनल वालों से प्रार्थना करते हैं कि ये धार्मिक आयोजन को आप जितना बढ़ा सकें, बड़ा चढ़ाकर जनता के बीच में प्रदर्शन करें, सुनाएं, समझाएं कि गुना वालों ने आयोजन किया है। और ये भक्त जनार्दन है, इनके नाम तो हम नहीं बता पाएंगे क्यों हम ही नाम नहीं जानते कौन क्या है, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ हम गुना वासियों को बार बार धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो बाहर से पधारे हुए जन हैं, हमारे पास में बहुत जगह बाहर से पधारे हुए हैं जो यहाँ रह करके भी नित्य प्रति भगवान शंकर का निर्माण करते हैं, यहीं रुकते हैं। सुबह सूर्य उदय से ये लोग 7 बजे से कार्यक्रम में लग जाते हैं और अभी भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके भगवान के विसर्जन में खड़े हुए हैं और रात के 9 बजे तक हमारे साथ रहेंगे। मैं श्याम सुंदर साहू, श्याम वस्त्रालय बीनागंज से, सपत्नी का है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद कुंभ जैसा आयोजन यहाँ हो रहा है, बहुत हर्ष का विषय है कि गुना जैसी जगह में इतना बड़ा प्रोग्राम आज हुआ है। और अब करीब 90 लाख शिवलिंग का अपन निर्माण कर चुके हैं, कल शायद टारगेट पूरा हो जाएगा। और गुना की जनता को और आसपास से जो आ रहे हैं उन सबको बहुत बधाई का पात्र हैं क्योंकि ऐसा आयोजन बहुत मुश्किल से हो पाता है। महाराज जी बता अभी सावन का जैसे महीना भी चल रहा है और अपने यहाँ 125 करोड़ जो पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम चल रहा है उसमें गुना की जनता बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित है, बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। मतलब हमको रोज पंडाल बढ़ाते वो भी कम पड़ जाता है। कितनी संख्या में आ रहे हैं रोज? अब आज हमारा 24 से 25 के आसपास 26 लाख आज बना है, कल की संख्या थी 24 लाख है। ऐसे धीरे धीरे
श्रद्धालु कितने आ रहे हैं पंडित जी? हम गिन नहीं पाए श्रद्धालु की गिनती नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप आश्रम का कोई कोना नहीं जहाँ पे श्रद्धालु बैठ के शिवलिंग नहीं बना रहे हो। और अभी तक अपना 94 लाख का टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है, 94 लाख शिवलिंग बन गए हैं। और कल फिर अभी 3 दिन का बाकी है, मतलब जो जो हो जाएंगे, जैसा अभी उत्साह है गुड्डा की जनता का, लोगों का जो जितना उत्साह है तो उससे लग रहा है कि 150 चले जाएंगे। बोलो पंचमुखी। हाँ आंटी जी, आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम शारदा साहू है। पहले तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी तेरी कृपा में तेरी दया और बाबा सियाराम जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनने हमें ऐसी योग्य समझा और इंदौर से यहाँ आमंत्रित किया। और भगवान की ऐसी बाबा सियाराम और गुरु जी है ना, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। हम तो संडे को एक दिन पहले ही आ गए थे और यहीं पर विश्राम ले रहे हैं, बना रहे हैं। कितनी बनाई आपने? हम 4-5 लोग बैठते हैं और सब लोग मिलके बनाते हैं। आज 2 परात भरी हमने, वो डबल लेयर करी। कैसा आनंद? बहुत, कभी सोचा ही नहीं था। हर हर महादेव। मैं राधेश्याम साहू सपत्नीक शारदा साहू के साथ इंदौर से आया हुआ हूँ। गुरुजी राजेंद्र यादव जी के आशीर्वाद से और सियाराम महाराज जी की कृपा से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम प्रतिदिन जो है, हम रविवार के दिन यहाँ आ गए थे और प्रतिदिन हम शिवलिंग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, प्रतिदिन अधिक से अधिक हम शिवलिंग बनाने का प्रयास करते हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। महाराज जी ने हमको यहीं रुकने की व्यवस्था कर दी है, नाश्ता पानी भोजन, ये आज एकादशी का जो है हमारा व्रत भी है। बहुत ध्यान रखते हैं सियाराम महाराज जी, राजेंद्र गुरु जी, कल हमको यजमान भी बनाने का जो है उन्होंने गंगा स्नान हो रहा है, अकल्पनीय है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आया ग्राम सरसों जिला शिवपुरी से, मेरा नाम अशोक कुमार गौड़ वशिष्ठ ये गोत्री हूँ। महाराज की विशेष कृपा है, पंचमुखी सरकार की जय हो। महाराज ने और हरिपुजारी जी ने जो है सादर मुझे बुलाया था तो मैं सपत्नीक जो है यहाँ शिवलिंग बनाने के लिए आया हूँ। अरे आनंद मंगल की तो इतनी वो है कि गुना वाले इतने भाग्यशाली हैं कि जितना कहो तितना कम है, और ऐसा ही आनंद प्रतिवर्त आता रहे। हाँ।